टीएससी और आरडीसी होता है, इसमें हमें मिलता है 50 मार्क्स, दोनों कैंप में 50 50 मार्क्स हमारे। तो इसके बारे में जितने भी बातें सारे पैरा स्पोर्ट्स वगैरह से रिलेटेड है। जय हिंद कैडेट्स, अगर आप भी एक एनसीसी कैडेट है तो आपको पता होना चाहिए टोटल एनसीसी में कितने कैंप्स होते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एनसीसी में कितने कैंप होते हैं और कौन सा कैंप किस लेवल पे होता है, ताकि आप उसे अच्छे से ज्वाइन कर पाए। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको स्ट्रक्चर समझा देता हूं कि एनसीसी में कैंप्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हुआ है। तो जो एनसीसी है उसमें जितने भी कैंप होते हैं उसमें एक तो होते हैं बीएन यानी कि बटालियन लेवल पे, है ना, और एक दूसरे जो कैंप होते हैं वो होते हैं स्टेट और नेशनल लेवल पे। ये जितने भी स्टेट और नेशनल लेवल वाले कैंप हैं ये सभी वो कैंप है जो हर एक कैडेट को करने चाहिए, ठीक है। ये तो जनरली सभी कैडेट करेंगे। तो इसमें जो कैंप आते हैं वो एटीसी होते हैं यानी कि एनुअल ट्रेनिंग कैंप। तो इसमें जो कैंप होता है उसमें सिर्फ एक ही कैंप होता है जो होता है सीएटीसी कैंप। उस कैंप का नाम होता है सीएटीसी कैंप। इस कैंप का पूरा फुल नेम है कंबाइंड एनुअली ट्रेनिंग कैंप। ये जो कैंप होता है ये 10 डेज का होता है, बटालियन पे जितने भी कैडेट्स होते हैं उन सभी के बीच में होता है। साल में ये 4 से 5 बार ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो इस कैंप को आप 4 से 5 बार में कभी भी एक बार कर सकते हैं, क्योंकि ये कैंप इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस कैंप को करने के बाद ही आप एनसीसी के सर्टिफिकेट एग्जाम में बैठ सकते हैं, यानी कि ए सर्टिफिकेट, बी और सी, उसके लिए आपको ये एक कैंप करना कंपलसरी होता है, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं सेकेंड लेवल का, जो है हमारा मेन स्टेट और नेशनल लेवल के कैंप। इन सभी में हम उन कैंप को डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे एनसीसी का जो सबसे बड़ा कैंप होता है, जो सबसे मदर कैंप कहलाता है, वो होता है आरडीसी कैंप, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं आरडीसी कैंप की। जो आरडीसी कैंप है इसका फुल फॉर्म होता है रिपब्लिक डे कैंप, ठीक है। इसका टाइम है ये सिर्फ जो ईयर होता है उसमें एक ही बार ऑर्गेनाइज होता है, और इसको कौन कौन से कैडेट कर सकते हैं उस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। जनरली क्या होता है, हमारे कॉलेज में एनसीसी 3 साल की होती है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, जो फर्स्ट ईयर के जो न्यू एनरोल कैडेट्स होते हैं, न्यू भर्ती होती है, तो फर्स्ट ईयर में सिर्फ उनकी ट्रेनिंग होती है, कोई कैंप नहीं होता। सेकंड ईयर में एनसीसी में क्या होता है, हमारा बी सर्टिफिकेट के लिए एक कैंप होता है और एग्जाम होता है बी का। थर्ड में भी सेम कैंप होता है और एग्जाम होता है। तो जो हमारा सेकंड ईयर होता है उससे हम एलिजिबल हो जाते हैं सभी कैंप को करने के लिए, ठीक है। सेम हमारा प्रोसेस होता है ए सर्टिफिकेट के लिए 9th और 10th क्लास में, वहां पे भी हमारा फर्स्ट ईयर ट्रेनिंग वाला होता है, सेकंड ईयर में हम सारे कैंप के लिए एलिजिबल होते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार हम इसके टाइम की बात करें तो ये सिर्फ साल में एक बार ऑर्गेनाइज होता है, और इसका जो टाइम होता है वो जनरली होता है जुलाई अगस्त, इसमें इसका नोटिफिकेशन आ जाता है और तब से इसका जितने भी प्रोसीजर है वो स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि आरडीसी कैंप को करने से पहले 10 से 12 कैंप करने होते हैं जिसमें सिलेक्शन होता है, ठीक है। कहते हैं इस कैंप की लोकेशन की, जो इसकी लोकेशन है वो है दिल्ली राजपथ, ठीक है। दिल्ली में हमारा ये कैंप ऑर्गेनाइज होता है जहाँ पे हमें राजपथ पे परेड करनी होती है, ठीक है। तो काफ़ी औसम कैंप होता है, मदर कैंप है, काफ़ी एंजॉयमेंट वाला होता है, बहुत कुछ सिखाने वाला होता है। और इस कैंप के की पॉइंट ये है कि इस कैंप को करने के बाद आप बच जाते हैं सीनियर अंडर ऑफिसर, जिसमें आपको मिलती है गोल्डन रैंक्स, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे आपको गोल्डन रैंक्स मिलेगी, जिसने भी गोल्डन रैंक लगा रखी है समझ जाना कि उसने आरडीसी कैंप करा होगा, ठीक है। और यहाँ पे एक और बात करें, इसमें पीएम रैली का भी एक कैंप होता है जिसके हम थोड़ी देर से डिस्कस करेंगे, तो आप समझ गए होंगे कि और यहाँ से काफ़ी सारी किट मिलती है, ब्लेजर, कोट, पैंट, काफ़ी सारा सामान मिलता है, उसको मैं किसी वीडियो में आपको बना के बताऊंगा क्या क्या मिलता है। तो अभी के लिए हम बात करते हैं कि ये कैंप किसने किया है। तो हमारे कॉलेज के सीनियर अंडर ऑफिसर अभिजीत सिंह देवड़ा, जैसे कि आप देख सकते हैं, इन्होंने ये कैंप किया है, और काफ़ी प्राउड फील होता है क्योंकि ये हमारे साथी के निकले हुए हैं, और काफ़ी अमेजिंग इनके रील्स वगैरह भी हमने इंस्टा पे देखे थे, काफ़ी मज़ा आया कि किस तरीके का कैंप होता है और बहुत कुछ सिखाने वाला था, ठीक है। करीब करीब 1 से 1.5 महीना पूरा दिल्ली में थे घर से दूर, और उससे पहले 11 कैंप में इनका सिलेक्शन हुआ था, उसकी प्रोसेस की हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे डिटेल में, लेकिन मोटा मोटा बताएं तो पूरा कैंप बहुत औसम था, ठीक है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट कैंप की, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैंप है हमारा एनसीसी में, जिसका नाम है टीएससी। टीएससी का फुल फॉर्म हम बात करें तो होता है थल सैनिक कैंप, ठीक है। ये जो थल सैनिक कैंप है इसका एको नाम होता है AITSE, ऑल इंडिया थल सैनिक कैंप, ठीक। इसको हमारी 10MP बटालियन के एक होनार कैडेट जो कि युवराज सर है, अंडर ऑफिसर युवराज सर, उन्होंने किया है ये कैंप, और काफी औसम कैंप था। इस कैंप का भी प्रोसीजर सेम स्टार्ट हो जाता है हमारा जुलाई और अगस्त है, और ये भी साल में सिर्फ एक ही बार होता है, ठीक है। और इस कैंप की खास बात ये है कि इसमें आपका फिजिकल काफी स्ट्रांग होना चाहिए, रीजनिंग वगैरह वो सारी चीजें तो होती है, इंटरव्यू वगैरह सारा टेस्ट होता है, बट फिजिकली ऑब्स्टेकल ट्रेनिंग जो कि काफी तगड़ी होती है वो आपकी क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो फिजिकल के लिए बहुत अच्छा होता है। इसका पूरा प्रोसेस मैंने डाला है किस तरीके से सिलेक्शन प्रोसेस हुआ था हमारी बटालियन पे, ठीक है। इसके बाद करते हैं लोकेशन। तो लोकेशन सेम रहेगी दिल्ली में, हमें मतलब दिल्ली तक जाने का मौका मिलता है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना शानदार कैंप होगा। और इसको भी करने के बाद सेम हमें गोल्डन रैंक्स मिलती है जो कि काफी औसम है। तो आप युवराज सर का फोटो देख सकते हैं गोल्डन रैंक के साथ, और काफी कुछ किट्स वगैरह लेके आते हैं, बहुत सारा एक्सपीरियंस और बहुत कुछ सीख के आते हैं, और हमारी बटालियन का नाम भी काफी हुआ था, और हमें भी काफी प्राउड फीलिंग होती है, ठीक है। दोस्तों अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट कैंप की, जो कि है हमारा NIC, नेशनल
इंटीग्रेशन कैंप, ठीक है। जो ये नेशनल इंटीग्रेशन कैंप है ये आज से करीब 2-3 साल से अब इसको एक बार श्रेष्ठ भारत बोलने लग गए, क्योंकि जो नेशनल इंटीग्रेशन कैंप था उसमें भी पूरा कल्चरल बेस्ड फंक्शन होता था, पूरा उसी के रिलेटेड रिगार्डिंग होता था पूरा कैंप। और सेम अब जो EBSB है एक बार श्रेष्ठ भारत, ये भी पूरा कल्चर बेस्ड ही होता है। तो इस कैंप को मैंने किया है, नेशनल लेवल का कैंप है, काफी अमेजिंग कैंप है और इस कैंप में भी काफी कुछ सीखने को मिलता है। साथ में यहाँ पे मैनेजमेंट वाली चीजें आ जाती है और कल्चरल का पूरा बेस्ड है, तो डांस सिंगिंग पूरे कल्चर ही कल्चर चलता है, तो काफी अमेजिंग है। यहाँ पे आपको ज्यादा फिजिकली एफर्ट नहीं रहता, आपका जो भी डांस है, आपकी जो भी कल्चर है, जो भी पता है हमारे एनसीसी में टोटल 17 डायरेक्टर्स है, तो इन डायरेक्टर्स के बीच में ये पूरा जो कैंप है कंडक्ट किया जाता है, यानी कि 2 या 3 डायरेक्टर के बीच में होता है। तो जो अभी हमारा लेटेस्ट जो मैंने कैंप किया था नवंबर में, तो केरला एंड लक्षद्वीप डायरेक्टरेट के साथ हमारा MPNCG मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का डायरेक्टरेट का ये कैंप लगा था। तो टोटल 500 कैडेट्स थे, तो 250 के अप्रोक्स आधे कैडेट्स थे दोनों डायरेक्टरेट्स के, और काफ़ी अमेजिंग था। ये MP में ही हुआ था और ये जो कैंप है ये साल में 2 बार कह सकते हैं होता है, क्योंकि एक बार लक्षद्वीप और केरला जो डायरेक्टर थे वो MP आए थे, और जो MP वाले थे अगेन अभी जनवरी में ये कैंप हुआ था, जनवरी स्टार्टिंग के आसपास, तो यहाँ के जो कैडेट्स थे MP वाले वो केरला गए थे, ठीक है। तो दोनों ही जगह काफ़ी अमेजिंग था। और इस कैंप में हम बात करें लोकेशन की, तो लोकेशन लेवल का कैंप है, तो यहाँ पे जो लोकेशन है कैंप की वो भी नेशनल होती है, यानी कि किसी भी स्टेट में, यानी कि जितनी 17 डायरेक्टेट से वहाँ पे इसकी लोकेशन होती है, यानी कि 2 डायरेक्टेट के बीच में अगर ये कैंप लगाए तो दोनों में से कहीं पे भी जाना रहता है किसी एक साइड के कैडेट्स को, ठीक है। तो ये हो गया स्टेट्स में लगता है, अलग अलग स्टेट्स जितने भी डायरेक्टर्स है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। और इस कैंप के की पॉइंट की बात करें तो ये एक नेशनल लेवल का कैंप है, तो यहाँ पे आप भी आपको बहुत सारी किट मिलती है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो मैंने ट्रैक सूट पहना है ये भी मुझे कैंप से मिला है। इवन इसके ऊपर पूरा एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया मैंने, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लेना, चैनल पर आप देख लेना कि क्या क्या चीज़ें मिली है वहाँ पे। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, ट्रैक सूट हो गया, शूज़ हो गए, सॉक्स हो गए, शर्ट हो गई, टी शर्ट हो गई, और साथ में हमें पिकअप मिलती है, ठीक है। तो काफ़ी अमेजिंग रहता है ये, और साथ में हमारा जो बोनस मार्क्स होता है, बोनस मार्क्स होता है वो हमें मिलता है 25 मार्क्स, ठीक है, जो हमारा NCC के सर्टिफिकेट एग्जाम होता है उसमें, ठीक है। और जो हमारा TSC और RDC होता है इसमें हमें मिलता है 50 मार्क्स, दोनों कैंप में 50-50 मार्क्स हमारे बोनस रहते हैं सर्टिफिकेट के एग्जाम में। तो ये आपको अच्छा लगा होगा जान के, वो काफ़ी अमेजिंग कैंप था, इसके भी पूरे ब्लॉग्स बनाए, आप उसे देख सकते हैं। नेक्स्ट जो कैंप है वो है हमारा AAC यानी कि आर्मी अटैचमेंट कैंप, ओके। तो इस कैंप को किया है हमारे यहाँ के कैडेट्स ने, जो कि है अभिषेक, ठीक है, और भी कई सारे कैडेट थे बट मैं एक कैडेट कहता हूँ अभिषेक। तो यहाँ पे भी आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, और आर्मी का कैंप है तो यहाँ पे कमाल की बात यह कि आपको आर्मी के ऑफिसर्स के साथ रहना है, और यहाँ पे आपको इन्फेंट्री के जो वेपन्स होते हैं वो देखने को मिलते हैं एकदम I2I, और काफ़ी अमेजिंग रहता है। LMG वगैरह और जितने भी माउंटेड वेपन होते हैं उन सब के अलावा मशीन गन्स वगैरह, उन सभी के पार्ट्स के बारे में बताया जाता है, और ऑफिसर्स वगैरह होते हैं, काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग कैंप होता है। जो आर्मी लवर्स है उनको तो ये कैंप ज़रूर करना चाहिए। मैंने भी ये ट्राई करने की कोशिश की थी बट B सर्टिफिकेट के टाइम पे हमारा कोविड था, तो ये सारे कैंप सब कैंसिल हो गए थे, तो सिर्फ जो ATC कैंप था, एनुअल ट्रेनिंग कैंप, वही किया था, और फिर B सर्टिफिकेट का एग्जाम दिया था। बट C के टाइम पे इतने सारे कैंप आए थे तो सब में ट्राई किया, और फाइनली EBSB मैंने किया था, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं आर्मी अटैचमेंट कैंप, ठीक है, स्टेट में इस कैंप का लोकेशन हो सकता है। और साथ में बात करें ये भी साल में सिर्फ 1 ही बार ऑर्गेनाइज होता है, ठीक है। तो ये था कुल मिला के इसका पूरा फीचर, और की फीचर की हम बात करें की पॉइंट की, तो इस कैंप में आपको सीखने को मिलता है इन्फेंट्री वेपन्स, यानी कि आपको वेपन्स के साथ काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। इसके अलावा आपको आर्मी के ऑफिसर्स रहते हैं उनसे मिलने का मौका मिलता है, और सेम ये भी हमारा 25 मार्क्स हमें मिलते हैं बोनस हमारे एग्जाम में, ठीक है। तो ये था काफ़ी अच्छा आर्मी अटैचमेंट कैंप के बारे में। जो कैंप है वो है हमारा ट्रैकिंग कैंप, ठीक है। जो ट्रैकिंग कैंप है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कैंप है, क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ माउंटेन्स वाले एरिया लोकेशंस पे ले जाया जाता है, और वहाँ पे आपका 10 डेज का या उससे ज़्यादा दिन का कैंप लगता है। ये भी साल में लगभग 1 ही बार होता है, और ये उन लोकेशन पे जाता है जहाँ पे माउंटेन वाली एरिया रहती है, जहाँ पे हमें ट्रैकिंग करनी रहती है, और काफ़ी अमेजिंग कैंप है। ये भी एडवेंचरस कैंप होता है फुल, और काफ़ी मज़ा आता है, आर्मी के साथ रहते हैं पूरा, बहुत अमेजिंग कैंप है। और इसके भी हम की फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे भी हमें काफ़ी सारे ट्रैक सूट वगैरह सारी चीज़ें मिलती है। और इसके अलावा बात करें ये कैंप किसने किया है, तो हमारे यहाँ से हमारे जो एक्सपर्ट हो चुके हैं हमारे सीनियर विकास जाटवा सर, SCO विकास जाटवा सर, उन्होंने ये कैंप किया था, और काफ़ी तो कुल मिला के याला कैंप भी काफ़ी एडवेंचरस होता है। तो ये थे वो 5 कैंप अभी तक के जो मैंने आपको 5 कैंप बताए, ये सभी कैंप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, RDC, TAC, NIC जिसको हम EBSB बोलते हैं, AAC आर्मी अटैचमेंट कैंप, और ट्रैकिंग कैंप, ठीक है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट 5 कैंप की, तो कैडेट्स हम बात करते हैं अब हमारे अगले कैंप की, जो कि होता है BLC बेसिक लीडरशिप कैंप, ठीक है। ये जो कैंप है ये काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन कैंप होता है, इसमें हमें लीडरशिप जितनी भी क्वालिटीज़ होती है उनको इम्प्रूव करने का मौका मिलता है। इस कैंप को मैंने मेरे
सामने नहीं देखा, जितने पिछले 5 गेम थे वो मैंने मेरी आंखों के सामने महसूस किए हैं, तो मैंने आपको उनके बारे में अच्छे से बताया। इस गेम के बारे में सिर्फ सीनियर से सुना कि काफी इंपॉर्टेंट गेम होता है और इसका टाइम भी सिर्फ एक ही बार होता है साल में, और लोकेशन भी हमारी वही नेशनल कैंप है, तो स्टेट वाले रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। और की पॉइंट इसका यही है कि ये जो नेशनल कैंप है इसमें भी हमें काफी सारी चीजें मिलती है, और जो लीडिंग क्वालिटी है उसके लिए बेस्ट कैंप माना जाता है ये वाला, ठीक है। और इसका की पॉइंट ये है कि इस कैंप को करने से हमारा एक और कैंप अनलॉक होता है, जो कि अगला वाला कैंप है, मैं आपको बताऊंगा कौन सा कैंप अनलॉक होता है, वो है हमारा ALC, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एडवांस लीडरशिप कैंप। ये जो ALC कैंप होता है ये वही कैडेट कर पाते हैं जो BLC कर रहे हैं, बेसिक लीडरशिप कैंप, ऐसा मैंने सीनियर से पता किया है। और ये भी साल में फिर एक ही बार होगा, क्योंकि जिन्होंने ये किया है वो ये कर पाएंगे, और ये भी सेम स्टेट लेवल पे। और इसके भी की फीचर्स ये है कि इसमें भी हमें काफ़ी सारी इंप्रूवमेंट्स से रिलेटेड, लीडरशिप से रिलेटेड चीज़ें सीखने को मिलती है, ठीक है। अब हम जितने भी कैंप की बात करेंगे उनको मैंने मेरे सामने होते हुए तो नहीं देखा, बट उनके नाम मैंने कहीं ना कहीं सुने हैं, कई सारे आपने भी कमेंट किए हैं कि पैरा ट्रूपर कैंप क्या होता है, ठीक है, तो उसी से रिलेटेड है हमारा नेक्स्ट कैंप पैरा ट्रूपर कैंप, ठीक है। ये जो पैरा ट्रूपर कैंप है इसके बारे में मैंने थोड़ा सा पूछा था, तो मुझे पता चला है कि ये जो कैंप होता है काफ़ी ज़्यादा एडवेंचरस होता है, तो इसका की पॉइंट यही है कि ये बहुत एडवेंचरस कैंप है, ठीक है। और इसके साथ बात की जाए तो ये ऐसी लोकेशंस पे होता है जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरस एक्टिविटीज़ होती है, ठीक है। और इसमें जब आर्मी के साथ जो एडवेंचरस एक्टिविटी की जाती है वो एक यूनिक एक्सपीरियंस होता है, यूनिक मेमोरी बनती है कैडेट्स की, ठीक है। तो इसके बारे में जितनी भी बातें सारे पैरा स्पोर्ट्स वगैरह से रिलेटेड है, इसकी मैं एक डिटेल वीडियो, अगर आप कमेंट करेंगे, अगर आप चाहते हैं कि मैं जितने भी कैंप बता रहा हूँ इनकी अगर एक डिटेल वीडियो आएगी सब में क्या क्या होता है, तो आप कमेंट करना, मैं उसके वीडियो लेकर आऊँगा, पूरी प्लेलिस्ट बनाएंगे अपन, ठीक है, काफ़ी मज़ा आएगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, और साथ में ये भी साल में एक ही बार होता है, अभी के लिए फिलहाल इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे अगले कैंप की, जो कि है सोशल सर्विस कैंप। ये जो सोशल सर्विस वाला कैंप है इसमें हमें काफ़ी सारा सोशल वर्क करना रहता है, और ये जो है हमें कह सकते हैं कि जो कैंप लगेगा इसमें हमें उन चीज़ों से रिलेटेड रिगार्डिंग बात करनी है, अवेयरनेस से रिलेटेड, ठीक है। तो जो अब हम बात करें 10th नंबर का कैंप, वो काफ़ी अमेजिंग कैंप है, जिसका नाम है AISTC ऑल इंडिया समर ट्रेनिंग कैंप, ठीक है, ऑल इंडिया समर ट्रेनिंग कैंप। ये जो कैंप होता है ये काफ़ी अमेजिंग कैंप है, क्यों? क्योंकि आप सभी को पता है 26 जनवरी के बाद हमारी ऑफिशियली NCC की परेड नहीं लगती है, उसके बाद क्योंकि ABC सर्टिफिकेट के एग्जाम होते हैं फेब के मंथ में, मार्च के मंथ में, और जो गर्मी वाला सेशन है उसमें पूरा NCC में हमें ज़्यादा परेड वगैरह नहीं कराई जाती, सब ऑफ रहता है। फिर जब जुलाई से नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होता है तभी से हमारी NCC की परेड लगना स्टार्ट होती है, तो उसके जो बीच का टाइम है उसमें कैडेट्स मतलब अपनी परेड वगैरह भूल जाए, अपनी ट्रेनिंग ना भूल जाए, इसलिए ये जो कैंप है AISTC ऑल इंडिया समर ट्रेनिंग कैंप ये ऑर्गेनाइज किया जाता है NCC द्वारा, और काफ़ी अमेजिंग एक्टिविटीज कराई जाती है समर से रिलेटेड, ठीक है। तो इस कैंप में भी हमें काफ़ी मज़ेदार फन एक्टिविटीज़ होती है, और समर में हो रहा है तो ये तो समर को पूरा फन में कन्वर्ट करने वाला कैंप रहता है, तो काफ़ी अमेजिंग कैंप रहता है, ठीक है। तो ये थे अगले वो 5 कैंप जो काफ़ी इंटरेस्टिंग थे, नेक्स्ट 5 कैंप और है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैंप है, तो उनकी हम बात करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट कैंप है वो है हमारा रॉक क्लाइंबिंग कैंप, ठीक है। रॉक क्लाइंबिंग कैंप भी हमारे ट्रैकिंग कैंप का एक नया वर्जन हम कह सकते हैं, तो इसमें भी जो लोकेशन होती है वो भी हमारी सेम ट्रैकिंग वाली लोकेशन रहती है, और इसके अलावा बात की जाए टाइम ये भी साल में एक बार होता है, और इसके भी की पॉइंट ये है कि यहाँ पे आपको भी काफ़ी सारे एडवेंचरस एक्टिविटीज़ की जाती है, तो काफ़ी मज़ा आता है, और नेशनल लेवल का कैंप है तो काफ़ी सारे कैडेट्स आते हैं, तो इसका भी एक यूनिक एक्सपीरियंस अपने आप में होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं 4 ऐसे कैंप की जो काफ़ी स्पेशलाइज्ड कैंप हम कह सकते हैं NCC में, क्यों? क्योंकि आपको पता है NCC में 3 विंग होती है, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, ठीक है। तो जो आर्मी, नेवल और एयरफोर्स है, तो अभी तक जितने भी कैंप बताए उनको सभी कैडेट्स कर सकते हैं, आर्मी, नेवल और एयरफोर्स वाले, बट अब जो कुछ कैंप्स है उसमें कुछ स्पेशलाइजेशन हो जाता है, जैसे कि जो नेक्स्ट कैंप है वो है हमारा वायुसेना कैंप, ठीक है। हमको सिर्फ एयर विंग वाले ही कैडेट कर सकते हैं, ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या है, वायुसेना कैंप, ठीक है, VSC, ठीक है। तो ये भी साल में एक बार ही होता है, इसकी लोकेशन जो रहती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो एयरबेस होता है, ठीक है, यानी कि कहीं ऐसी जगह ले जाता है जहाँ पे एयरफोर्स से रिलेटेड जगह हो, तो वहाँ पे एयरक्राफ्ट वगैरह, एयर मशीन गन्स वगैरह, जितने भी एयरफोर्स से रिलेटेड जो हमारे प्लान्स होते हैं, जेट फाइटर, जेट प्लान्स होते हैं, उनको दिखाने का, देखने का मौका मिलता है कैडेट्स को, तो काफ़ी अच्छी मिलिट्री लोकेशन रहती है, तो काफ़ी अमेजिंग रहता है, क्योंकि ये एयरफोर्स का कैंप रहता है, ठीक है। इसके अलावा की पॉइंट आपको पता चल गया होगा, एयरफोर्स मतलब एयर विंग वाले जितने भी कैडेट हो तो खुश हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे अमेजिंग अमेजिंग चीज़ें उन्हें देखने को मिलेगी। तो नेक्स्ट जो कैंप है वो है हमारा नौसेना कैंप। इसमें जितने भी नेवल विंग के कैडेट होते हैं उन्हें
पोर्ट पे यानी कि शिपमेंट वाली जगह पे ले जाता है जहाँ पे शिप्स वगैरह होते हैं, वहाँ पे उनको सबमरीन वगैरह, उनके वेपन्स वगैरह, उनकी मशीन गन्स वगैरह, उनकी आर्टिलरी, वो सब देखने का मिलता है। तो ये अपने आप में एक अमेजिंग कैंप रहता है। लोकेशन आप समझ गए होंगे काफ़ी अमेजिंग रहती है इस कैंप में, एक बार होता है और काफ़ी अच्छी फीलिंग्स आती है इस कैंप को करने का, ठीक है। तो ओके दोस्तों, अब जहाँ तक हम पहुँचे हैं, जो हमारा 14th वाला कैंप है वो है हमारा पीएम रैली, ठीक है। जनरली क्या होता है कि जो कैडेट्स आरडीसी करते हैं, है ना, तो उसमें आरडीसी रिपब्लिक डे पे जो राजपथ होता है वहाँ पे परेड करते हैं। उसके बाद क्या होता है, पीएम रैली का एक अलग सेशन होता है, तो उसको भी एक कैंप के तौर पर ही देखा जाता है। तो उसको मैंने यहाँ पे 14th नंबर पर डाला है। तो मैंने हमारे सीनियर नरो फिजा विजय से भी पूछा था, तो उन्होंने बोला कि हाँ वो भी एक तरह प्रकार से एक अलग तरह का कैंप हो सकता है, हम कह सकते हैं। तो उसको भी मैंने यहाँ पे लिखा है। तो इसकी भी जो ये एक ही बार होता है, क्योंकि आरडीसी भी एक ही बार होता है, लोकेशन इसकी दिल्ली रहेगी, ओके। और इसका की फीचर क्या है वो तो आपको पता है, जो सेम आरडीसी का है वही फीचर है इसका, ठीक है। ओके तो ओके, जो नेक्स्ट हमारा कैंप है वो है YEP, ठीक है। ये किसी कैंप से कम नहीं है, यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम। इसमें क्या होता है, यूथ का एक्सचेंज होता है, यानी कि जो हमारे एनसीसी कैडेट्स है वो फॉरेन कंट्री जाते हैं, और जो फॉरेन कंट्री के जो कैडेट्स है, ठीक है, वो इंडिया आते हैं। सेम RDC 2023 में दिल्ली राजपथ में भी जो अदर कंट्रीज के कैडेट्स है वो आए थे इंडिया दिल्ली राजपथ पे, और जो यहाँ के कैडेट्स हैं वो वहाँ जाते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम, इसमें यूथ एक्सचेंज होते हैं। तो इस कैंप का मेन की पॉइंट ये है कि ये जो पहले हम लोकेशन की बात करते हैं, तो इसकी लोकेशन होती है हमारी फॉरेन कंट्रीज, किसी अदर कंट्री में जाने का मौका मिलता है, इसके अलावा साल में एक बार मौका मिलता है। इसके अलावा बात करते हैं की पॉइंट की, ठीक है, कि इसमें जब ये कैंप जो भी कैडेट करता है, वैसे इसका सिलेक्शन काफी टफ होता है, क्योंकि कैडेट कम्युनिकेशन स्किल, पर्सनैलिटी काफी अच्छी हो, ओवरऑल डेवलप हो, यानी कि जो RDC TSC जो ऐसे कैंप करे हुए कैडेट्स रहते हैं उनको जनरली मौका मिलता है, क्योंकि पूरा पर्सनैलिटी डेवलप होना चाहिए, इसके लिए काफी सारे इंटरव्यूज वगैरह सारी चीजें करनी होती है। तो ये जो कैंप होता है इसमें हमारे लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब रेडी रहती है, जब भी कैडेट्स ये कैंप करेंगे उनके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की जो जॉब रहेगी वो रेडी रहेगी, ऐसा मैंने हमारे सीनियर से पता किया था। तो कुल मिला के ये थे हमारे टोटल 15 कैंप्स। आई होप आपको काफी अमेजिंग तरीके से आपने नोट भी किया होगा थोड़े कैंप्स के नाम वगैरह, और कोई डाउट हो तो कमेंट करना, मैं उसका वीडियो लेके आऊंगा। साथ में मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप एक एनसीसी कैडेट हो तो ट्राई करना कि वो जो ये मैंने आपको जितने 15 कैंप्स बताए इनमें से कोई ना कैंप आप जरूर जरूर करें, हो सके तो 2 से 3 कैंप कर लेना, काफ़ी अच्छी बात है। पर अगर आप एक बार RDC में चले गए तो फिर RDC उसके अलावा कोई कैंप नहीं कर पाएंगे। TSC में चले गए तो सिर्फ TSC करना होगा, क्योंकि इनका जो प्रोसेस होता है काफ़ी लंबा होता है। तो इन कैंप को करते करते आपको काफ़ी सारे कैंप करने को मिलेंगे बीच में, तो काफ़ी मज़ा आएगा। इसके अलावा बात करें इन 2-3 कैंप को छोड़ दें, तो TSC और RDC को छोड़ दें, तो इसके अलावा जो हमारे ABS भी है, ये तो 10-10 डेज के बाकी सब कैंप होते हैं, इनको आप इजीली 2 या 3 कैंप तो कर ही सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कोई डाउट है कैंप से रिलेटेड तो कमेंट करना, मैं डेफिनेटली वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट, तब तक लेते हैं, जय हिंद।